हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बायोस्टेट में बीएससी पार्ट थर्ड में मीडियन के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था कि किस तरह से मीडियन का कैलकुलेशन किया जाता है। इसका दूसरा प्रकार जो कैलकुलेशन का है, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज, उसके बारे में आज हम देखेंगे। असंतत अथवा खंडित श्रेणी में निम्न प्रक्रिया द्वारा माध्यक और मीडियन की गणना की जाती है। पहला इसमें है सर्वप्रथम संचयी आवृत्तियां, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करके श्रेणी को संचयी आवृत्ति माला में परिवर्तित कर लिया जाता है। दूसरा, इसके पश्चात निम्न सूत्र द्वारा माध्यक की क्रम संख्या ज्ञात की जाती है, जो हमने सूत्र बताया था, माध्यक m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 वा पद। यहाँ जो n है वो इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी के लिए प्रयुक्त होता है। माध्यक की क्रम संख्या का मान संचयी आवृत्ति की सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है। जिस संचयी आवृत्ति में यह क्रम संख्या प्रथम बार सम्मिलित होती है, उसका मान ही माध्यक या मीडियन होता है। इसको अब हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उदाहरण के लिए हमने देखा इसमें निम्नलिखित सारणी के समंकों की सहायता से माध्यक की गणना करनी है, जिसके अंदर इंक्रीज इन वेट इन किलोग्राम्स, 1 किलोग्राम कितने परसेंट्स में बढ़ रहा है, 5, 5 किलोग्राम 7, 10 किलोग्राम 10, 15, 12, 20, 8 लोगों में, 25, 9 लोगों में। तो इसको हम सब सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, संचयी आवृत्ति क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए निम्न सारणी का हमको निर्माण करना है। तो पहले सारणी में क्या करेंगे, भार वृद्धि किलोग्राम में करेंगे, 1, 5, 10, 15, 20, 25, और फिर इसकी हम आवृत्ति, जितनी आवृत्ति दे रखी है उसको हम लिखेंगे। उसकी हम फिर बाद में क्या बनानी हमको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले की 5 है, दूसरे में क्या गया, 5 प्लस 7 तो कितनी हो गई, 12। फिर है 12 प्लस 10, ये 10 नेक्स्ट इस 12 से जोड़ के 22, 22 प्लस 12, ये 22 और ये 12 जोड़ के 34। फिर आता है 34 प्लस 8, 8 प्लस 34 इज इक्वल टू 42। नेक्स्ट है 42 प्लस 7 तो 49। जो इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है अपनी, कितनी आती है टोटल फ्रीक्वेंसी, n इज इक्वल टू 49। अब हम इसे अपने फॉर्मूले में रखेंगे मीडियन के, m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 वा पद। तो n कितना है, 49, अतः n का मान उपरोक्त सूत्र में रखने पर क्या होगा, 49 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 50 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ गया, 25वां पद। इसमें कौन सा आया, 25वां पद। हम इसमें देखते हैं कि संचयी आवृत्तियां के अवलोकन से हमें ज्ञात होता है कि 22वें पद तक जो मान है वो क्या है, 1, 5 व 10 किलोग्राम भार वृद्धि के हैं, तथा 23वां पद से 34वें पद तक सभी 12 पदों का भार वृद्धिमान 15 किलोग्राम है। अतः 25वें पद का मान भी 15 किलोग्राम भार वृद्धि है। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज, थर्ड प्रकार का, संतत अथवा अखंडित अथवा अविच्छिन्न समंक माला में माध्यक का मान निम्न क्रिया द्वारा ज्ञात किया जाता है। सर्वप्रथम संचयी आवृत्तियां और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात की जाती है, उसके पश्चात
निम्न सूत्र द्वारा केंद्रीय पद अथवा माध्यक संख्या ज्ञात की जाती है। m इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट है माध्यक की संख्या जिस संचयी आवृत्ति में सबसे पहली बार आती है उससे संबंधित वर्ग माध्यक वर्गांतर और मीडियन क्लास इंटरवल कहलाता है। माध्यक वर्ग में माध्यक का मान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। m इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू प्लस एल वन डिवाइडेड बाय f m माइनस सी। m इज इक्वल टू एल वन प्लस आई डिवाइडेड बाय f और m माइनस सी। इस सूत्र में संकेताक्षर जो m है वह माध्यक और मीडियन के लिए प्रयोग किया जाता है। l1 संकेताक्षर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास के लिए प्रयोग किया जाता है। l2 जो है वो संकेताक्षर माध्यक वर्ग की उच्च सीमा अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास के लिए प्रयोग किया जाता है। आई जो है वो क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास के लिए प्रयोग किया जाता है और एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास के लिए प्रयोग किया जाता है। स्मॉल एम दैट इज मीडियन नंबर एन डिवाइडेड बाय टू के लिए प्रयोग किया जाता है एंड द सी वो है माध्यक वर्ग के तुरंत पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो हम उदाहरण है वो हम आगे इसमें आपके डाल देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। माध्यक की सार्थकता व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मीडियन। यदि सभी मानों और वैल्यूज के बारे में जानकारी ना हो तब भी मीडियन और माध्यक की गणना की जा सकती है। वास्तव में केवल सबसे मध्य के मान का निर्धारण किया जाता है यदि यह ज्ञात हो कि उसके दोनों ओर समान मान उपस्थित हैं। यह तब अधिक लाभदायक होता है जब परीक्षण किए जा रहे लक्षण को मापना कठिन हो। माध्यक चरम मानों एक्सट्रीम वैल्यूज से प्रभावित नहीं होता है। यदि समंक अथवा आंकड़े अपूर्ण हो तथा वर्ग अंतराल अनियमित हो तब भी माध्यक की स्थिति के बारे में पता लगाया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू। कंटिन्यूस सीरीज के द्वारा मीडियन की गणना करना, इसका हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। निम्नलिखित समांकों की सहायता से माध्यक की गणना कीजिए। प्राप्तांक मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने, 40 से 50 के बीच के जो नंबर हैं वो कितने स्टूडेंट्स के हैं, 10 के। 50 से 60 नंबर 28 बच्चों के। 60 से 70 40 स्टूडेंट्स। 70 टू 80 16 स्टूडेंट्स एंड 80 टू 90 6 स्टूडेंट्स। अब इसके हम सॉल्यूशन में करेंगे कि संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए निम्न सारणी का निर्माण किया जाता है। पहले हम सबसे पहले माध्यक परिकलन के लिए मार्क्स ऑब्टेन्ड इनको हम इसमें जमा लेते हैं सारणी में, ठीक है। 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। किन किन छात्रों का इसमें आया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और फ्रीक्वेंसी 10, 28, 40, 16, 6। अब इसके बाद एक सारणी बनानी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कितनी बार आया, 10। 10 में 28 जोड़े तो कितने हो गए, 38। 38 में कौन से जोड़े, 40 जोड़े तो कितने आ गए, 78। 78 में अब नेक्स्ट जोड़ेंगे 16 तो कितने आ गए, 94। 94 में 6 जोड़े तो कितने हो गए, 100। तो टोटल इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 100। ये देखो इसको भी जोड़ो तो 100। अब इसको हम जब ज्ञात करते हैं तो माध्यक का मान
माध्यक की संख्या m क्या हुई, n by 2, तो कितनी है m, n क्या है 100 by 2, that is 50. संचयी आवृत्तियों के निरीक्षण से ज्ञात होता है कि 50वीं माध्यक संख्या संचयी आवृत्ति में 78 में पहली बार सम्मिलित हुई है, इसलिए इसके सामने का वर्गांतर 60 से 70 मीडियन क्लास कहलाता है। ये वाला जो है ये 60 से 70 जिसमें L1 से L2 अपन ने करा, ये मीडियन क्लास कहलाता है। ये इसकी 40 इसकी फ्रीक्वेंसी होगी और इससे पहले वाली जो होती है 38 वो क्या है इसके सी कहलाएगा, 38 इसमें से। अब हम इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे, m इज इक्वल टू L1 प्लस I डिवाइडेड बाय f m माइनस सी। L1 इज 60, I इज L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 70 माइनस 60 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब इस ये 10 आ गया, F कितनी फ्रीक्वेंसी इसकी 40, M क्या है इसका अपन ने देखा पहले 50, C है 38। इन विभिन्न मानों को उपरोक्त सूत्र में रखने पर क्या ज्ञात होएगा हमको, इसका माध्यक प्राप्तांक होगा 63।